प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी के द्वारा उनके द्वारा जो आर्थिक विचार प्रस्तुत किए गए थे उसकी चर्चा पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर रहे हैं। उसी क्रम में हम उनके द्वारा औद्योगिकरण और यंत्रवाद, इसका विरोध किस प्रकार किया गया है और इस संबंध में उन्होंने किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी मान्यता क्या है, दृष्टिकोण क्या है औद्योगिकरण और यंत्रवाद के प्रति, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम यंत्र के प्रति गांधी का क्या दृष्टिकोण है उसे समझते हैं। गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रों के अनियंत्रित विकास के विरुद्ध थे। उन्होंने विकसित यंत्रों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था को मानवता के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का मूलभूत कारण माना। उन्होंने कहा कि मशीन के विकास और औद्योगिकरण के कारण एक राष्ट्र के पास दूसरे राष्ट्र का शोषण करने की क्षमता आ जाती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अनियंत्रित यांत्रिक और तकनीकी विकास के कारण एक समय मनुष्य द्वारा खोजे हुए यंत्र मानव सभ्यता को ही निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य मशीन को नियंत्रित करता है तब तक तो उसका प्रभाव उतना विनाशकारी और अनैतिक नहीं होता, किंतु यदि मशीनों पर मनुष्य की निर्भरता बढ़ती ही गई, एक दिन ये मशीनें मनुष्य को नियंत्रित करेंगी और यह अवस्था मानवीय सभ्यता के पतन का प्रतीक होगी, ऐसा उनका मानना था। इसलिए मशीनों के प्रति गांधी ने जो आपत्तियां दर्ज की, जो तीन आपत्तियां थीं, उनके कारण किन कारणों पर वो आधारित थीं, वो क्या आधार थे जिनकी वजह से वो मशीनों का इतना विरोध कर रहे थे तत्कालीन परिस्थितियों में, अब हम उन तीनों बिंदुओं को, कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला, यह एक ऐसे साधन के रूप में अपनाई जाती हैं जो मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि करने अथवा उसके श्रम में सहायक होने की अपेक्षा मनुष्य का स्थान ले लेती हैं। एक कारण तो ये था। दूसरा था, इसके विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं है, अतः यह इस सीमा तक भी विकसित हो सकती है कि इस पर मनुष्य का कोई वश ही ना रहे। और तीसरा वो कारण आधार बताते हैं, कालांतर में यह अपने नियम खुद निर्धारित करती है और मनुष्य इसकी विराटता के सम्मुख विवश हो जाता है। जैसे यह मनुष्य को उत्पादन की प्रक्रिया से हटाकर उसका स्थान ले लेती है और बेरोजगारी को जन्म देती है, मतलब बेरोजगारी का मूल कारण यहीं से उत्पन्न होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। मनुष्य चाहते हुए भी इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो मशीन का अपना नियम है कि वह मानवीय श्रम को विस्थापित करे। गांधी जी यंत्र मात्र के विरोधी नहीं थे, वे तो वस्तुतः मशीन को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व दिए जाने का विरोध करते थे। उनका मत था कि मशीन स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, आपत्तिजनक बात यह है कि वह व्यक्ति की वैयक्तिकता का अपहरण कर लेती है। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में मनुष्य की तुलना में मशीन की सर्वोच्चता को समाप्त करना चाहता हूँ। वर्तमान में प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा करने की सनक इस कदर बढ़ गई है कि हम मशीन के दास बनते जा रहे हैं। गांधी जी एक सीमित अर्थ में मशीन की उपयोगिता को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी और जटिल मशीनों के विरुद्ध थे। एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या वे मशीनों के विरुद्ध हैं, जितनी भी मशीन है सारी मशीनों के विरुद्ध हैं, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जब यह शरीर भी एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र है, चरखा भी एक यंत्र है, छोटी सी दंत कुरेदनी भी एक यंत्र है। मेरा विरोध मशीन के प्रति नहीं है, अपितु मशीनों के प्रति उस पागलपन के लिए है जो श्रम बचाता है। यदि मनुष्य श्रम बचाने के पीछे इसी तरह पड़ा रहा तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है, और सड़कों पर पड़े भूखों मरने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं मानवता के थोड़े से हिस्से के लिए श्रम और समय की बचत नहीं करना चाहता,
अपितु सबके लिए करना चाहता हूँ। मैं समृद्धि का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण नहीं चाहता, अपितु उसका सब लोगों के मध्य वितरण चाहता हूँ। आज मशीन केवल कुछ लोगों की, लाखों लोगों की पीठ पर सवार होने में सहायता करती है। इसकी प्रेरणा शक्ति लोगों की श्रम की बचत करने की उदात्त भावना नहीं, अपितु लालच है। यंत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यंत्रों के ऐसे उपयोग के वे समर्थक हैं जिससे सबका भला हो तथा जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अधिकार प्राप्त ना हो। उन्होंने कहा, मैं गृह उद्योगों के काम में आने वाली मशीनों के सुधार का स्वागत करूंगा, किंतु विद्युत शक्ति से चलने वाली तकुए जारी करके हाथ से सूत काटने वालों को हटा देना तक मैं निर्दयता मानूंगा, जब तक कि इसके साथ ही करोड़ों किसानों को उनके घरों में ही व्यवसाय देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि यंत्रों के विकास से भारत की गरीबी का अंत हो सके और लोगों में उनके उपयोग के कारण आलस्य की जो आदत है उत्पन्न ना हो, वे भारत में विकसित यंत्रों के उपयोग का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। इस दृष्टि से उन्होंने भारत में एक ऐसे यंत्रों के विकास को आवश्यक माना जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे यंत्रों का उपयोग उचित होगा जिनके माध्यम से भारी उद्योग नहीं अपितु लघु कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग ये संचालित किए जाएं, ताकि भारी पूंजी का विनियोग किए बिना ही, भारी पूंजी के इन्वेस्टमेंट किए बिना ही देश में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकें और लोगों की गरीबी दूर हो सके। धर्म के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण का सार ही है कि उनका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य रहा है, यंत्रों का विरोध नहीं अपितु मानव कल्याण का सुनिश्चित करना है। अतः वे किसी स्थान की परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप यंत्रीकरण का समर्थन तो कर सकते हैं, किंतु अनियंत्रित यांत्रिक विकास को सैद्धांतिक सम्मति या सहमति अप्रूवल नहीं दे सकते, क्योंकि इससे मनुष्य की तुलना में यंत्र के महत्व की प्रतिष्ठा होगी और वह शोषण और दमन का उपकरण बन जाएगा। अब हम गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध क्यों किया उसकी चर्चा करेंगे। गांधी जी ने पश्चिमी देशों के अंधानुकरण में भारत के औद्योगिकरण के विरुद्ध गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण ही विश्व में विद्यमान तनावों, संघर्षों और युद्धों की आवश्यकता का मुख्य कारण है। पूरी दुनिया में जो तनाव, संघर्ष और युद्ध जो बने हुए हैं या इनकी आशंकाएं जो बनी हुई हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये औद्योगिकरण उत्तरदायी है। गांधी जी मूलतः औद्योगिक क्षमता के विरुद्ध थे और यह स्वीकार करते थे कि औद्योगिकरण ने पश्चिमी राष्ट्रों का कोई हित नहीं किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि औद्योगिकृत देशों में बेरोजगारी और आय की असमानताएं आदि संकट उत्पन्न होने लगे हैं। साथ ही औद्योगिकरण के कारण इन राष्ट्रों का नैतिक पतन भी हुआ है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा दूसरे राष्ट्रों पर अधिक से अधिक निर्भर होते गए हैं। उन्होंने इस विडंबना की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि औद्योगिकरण के कारण ही ब्रिटेन उपनिवेशों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार की आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने शंका व्यक्त की कि औद्योगिकरण अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा के कारण तथा शनै शनै उन उपनिवेशों में भी औद्योगिक विकास हो जाने से, जिनसे कि जिनमें कि ब्रिटिश मिलों द्वारा किए गए उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध हो जाते थे, ब्रिटिश उत्पादनों के लिए ही बाजार उपलब्ध नहीं होगा और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गांधी जी ने कहा
कि औद्योगिकरण के कारण इन पश्चिमी राष्ट्रों का अनिवार्य नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि इसे अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य राष्ट्रों का शोषण करना पड़ रहा है। भारत के लिए विशेष रूप से उन्होंने औद्योगिकरण के मार्ग को अव्यवहारिक और अनुचित माना। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारत जैसे विशाल देश में औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए विपुल मात्रा में पूंजी और संसाधन की आवश्यकता होगी, पहली बात तो ये, जो भारत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण औद्योगिकरण के नाम पर भारत आत्मनिर्भरता का मार्ग छोड़कर विदेशी निर्भरता के बोझ के तले दब जाएगा। दूसरी ओर अंधाधुंध औद्योगिकरण से भारतीय जीवन का ग्राम आधारित स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा और बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, गांव और शहरों के मध्य विरोध जैसी अनेक अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि औद्योगिकरण पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अनुकूल भी रहा हो तो भी भारत के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत का पूर्णतः औद्योगिकरण किया जाना संभव भी हो तो यह अनुचित होगा, क्योंकि इस प्रकार भारत को विश्व के अन्य राष्ट्रों का शोषण करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी और ऐसा करने की लालसा भी उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा, ईश्वर भारत को पश्चिमी पद्धति के औद्योगिक युग में प्रवेश करने और यंत्रमय होने से बचाए। आज एक छोटे से देश इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने सारे संसार को गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है। यदि 33 करोड़ लोगों का समुदाय भी यह आर्थिक शोषण का मार्ग अपना ले तो वह संसार को पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने यंत्रों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था को इस आधार पर भी आपत्तिजनक माना कि इसमें उत्पादन कार्य में लगे श्रमिक को उसकी वैयक्तिकता तथा सृजन के नैतिक सुख से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वह किसी वस्तु के स्वयं बनाने की बजाय केवल यंत्रों को संचालित करते हुए उस वस्तु के उत्पादन में केवल किसी एक हिस्से से जुड़ जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जूतों के एक औद्योगिक कारखाने में कोई श्रमिक जूते का तला बनाने के कार्य में लगा है तो दूसरा उसका ऊपरी हिस्सा बनाने में। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक उस संतोष से वंचित हो रहा है जो उसे पूरा जूता बनाकर यह अनुभव करने से प्राप्त होता है कि उसने जूते का निर्माण में अपना कौशल प्रयुक्त किया है, क्योंकि वह उसके हाथ से किया गया उत्पादन है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि औद्योगिकरण के कारण भारत में असमानता, इनइक्वालिटी को उत्पन्न होगी, ये तो उत्पन्न होगी, इससे पर्यावरण की भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उद्योगों और औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण शहर तो रहने लायक रहेंगे ही नहीं और शने शने ये शहर गांवों को भी निकलते जाएंगे और अंधाधुंध शहरीकरण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसी भूमि में देवों के निवास की कल्पना नहीं की जा सकती जो मिलों और कारखानों के धुओं और शोरगुल से घृणा के लायक बना दी गई हो और जिसके मार्गों पर मुसाफिरों की भीड़ से भरी बेशुमार मोटर गाड़ियों को खींचने वाले इंजन हमेशा तेजी से दौड़ते रहते हों। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान औद्योगिक सभ्यता के माध्यम से नहीं अपितु ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर आपको महात्मा गांधी द्वारा अपने आर्थिक विचारों के क्रम में औद्योगिकरण और यंत्रवाद पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार स्पष्ट हुए। धन्यवाद।